हेलो दोस्तों, टेक सेंट्रल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 12। आज मैं कंपेयर करूँगा इन दोनों की डिज़ाइन, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी और जानेंगे इन दोनों में से कौन है विनर। तो पहले मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो इसमें सेम टू सेम डिज़ाइन, जो कैमरा की डिज़ाइन है वो सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगी, बट ओवरऑल डिज़ाइन जो है आईफोन 12 की वो चेंज कर दी गई है। उसमें आप स्मॉल नॉच देखने को मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11, और काफ़ी हद तक आईफोन 12 की डिज़ाइन बहुत अच्छी कर दी गई है। तो मैं स्टार्स की बात करूँ तो आईफोन 11 को दूंगा मैं 4.5 स्टार्स और आईफोन 12 को दूंगा मैं 5 स्टार्स, बिकॉज आईफोन 12 की डिज़ाइन बहुत अच्छी कर दी गई है, इसलिए मैं आईफोन 12 को दूंगा 5/5 स्टार्स। डिस्प्ले की बात करूँ तो आईफोन 11 एंड आईफोन 12 दोनों में 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगा, और हालांकि मैं आईफोन 11 की बात करूँ तो इसमें 6.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, कलर IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाएगी विथ 16 मिलियन कलर्स एंड 828x1792 पिक्सल्स डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगा। और हालांकि मैं आईफोन 12 की बात करूँ तो इसमें 6.1 इंच की कलर सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 1170x2532 पिक्सल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 460 PPI पिक्सल्स डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार्स की बात करूँ तो आईफोन 11 को मैं दूंगा 4 स्टार्स और आईफोन 12 को दूंगा मैं 4.5 स्टार्स। अब आते हैं प्रोसेसर में। प्रोसेसर की बात करूँ तो आईफोन 11 में एप्पल का A13 बायोनिक चिप देखने को मिल जाएगा, जो कि उस ईयर का अच्छा, सबसे अच्छा चिप था, और अभी आईफोन 12 में आपको एप्पल का लेटेस्ट A14 बायोनिक चिप आपको देखने को मिल जाएगा। एप्पल रेंज में, इस साल का एप्पल रेंज में सबसे अच्छा चिप माना जाता है। तो स्टार्स की बात करूँ तो आईफोन 11 को मैं दूंगा 4.5 स्टार्स और आईफोन 12 को दूंगा 5 स्टार्स। कैमरा की बात करूँ तो आईफोन 11 में रियर कैमरा की बात करूँ तो 12 मेगापिक्सल का F1.8 वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, और सेकेंडरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का F2.4 अल्ट्रा वाइड विथ ऑटो फोकस आपको देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट की बात करूँ तो 12 मेगापिक्सल का F2.2 विथ फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगा। आईफोन 12 की बात करूँ तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का F2.4 अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा, और सेकेंडरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का F1.6 वाइड एंगल विथ ऑटो फोकस आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करूँ तो 12 मेगापिक्सल का F2.2 विथ फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार्स की बात करूँ तो आईफोन 11 को मैं दूंगा 4.5 स्टार्स और आईफोन 12 को दूंगा 4.5 स्टार्स। बैटरी की बात करूँ तो बैटरी में आपको दोनों में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और आईफोन 11 की बात करूँ तो इसमें 3110 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और आईफोन 12 की बात करूँ तो आईफोन 12 में 3210 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। अगर स्टार्स की बात करूँ तो आईफोन 11 को मैं दूंगा 4.5 स्टार्स, आईफोन 12 को दूंगा मैं 5 स्टार्स। विनर की बात करूँ तो विनर है ऑब्वियसली आईफोन 12। आईफोन 11 को मिलते हैं टोटल 22 स्टार्स एंड आईफोन 12 को मिलते हैं 24 स्टार्स, तो विनर है आईफोन 12। अगर मैं ओपिनियन की बात करूँ तो आपको आईफोन 12 ही लेना चाहिए, क्योंकि आईफोन 11 के प्राइस रेंज में ही आपको आईफोन 12 मिल जाएगा, जो कि अभी इंडिया में फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ है, तो आप अभी वेट कर सकते हैं आईफोन 12 लॉन्च होने का। और हालांकि मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप आईफोन 11 और आईफोन 12 में से आप आईफोन 12 को ही ले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।